बरसात के मौसम में पागबड़ा में होने वाले जलभराव को लेकर नगर पंचायत पागबड़ा प्रशासन द्वारा रणनीति तैयार कर ली गई है। नालों की सफाई का कार्य प्रारंभ कराए जाने के उपरांत पागबड़ा नगर पंचायत प्रशासन सफाई व्यवस्था को मुकम्मल करने की पहल कर रहा है। नगर पंचायत पागबड़ा कार्यालय पर मौजूद रहे अनुशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी द्वारा बताया गया कि पागबड़ा में छोटे और बड़े लगभग 7 नाले हैं, जिनकी सफाई रात्रि में की जा रही है, क्योंकि पागबड़ा में दिन में भीड़ का आलम रहता है, इसीलिए रात्रि में जेसीबी के द्वारा सफाई एवं नाला सफाई का कार्य किया जा रहा है। जनमानस से उन्होंने अपील की कि पागबड़ा नगर पंचायत के इस अभियान में सहयोग करें, नाली में कूड़ा ना डालें, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। अगर नालियों में कूड़ा पड़ा तो उससे नाला चौक होगा और वह क्षेत्र के लिए काफी नुकसानदायक होगा। देखिए, पागबड़ा में जलभराव की समस्या तो नहीं होती है, क्योंकि जलभराव मतलब होता है कि अगर बारिश हो तो कम से कम 24 घंटे पानी आप करोगे तब हम जलभराव मानते हैं। हमारा NHI जो है, NHI के दोनों जो नाले हैं, यहाँ पे थोड़ी जब बारिश होती है तो आधे घंटे की दिक्कत होती है। इस समय जो है नाला सफाई चल रहा है और रात्रि में ही NHI के नालों को हम साफ करवाते हैं, क्योंकि दिन में हम नहीं करवा सकते, मार्केट खुला होता है तो ट्रैफिक जो है अवरुद्ध हो जाएगा, तो रात को नाला सफाई का काम चलता है। इसके साथ साथ शासन का भी निर्देश है कि 15 जून के पहले पहले जितने भी हमारे नाले हैं उन सबकी सफाई होनी है। तो हमारे यहाँ टोटल जो है छोटे मझोले बड़े मिला के 7 नाले हैं, तो हमने इन 7 नालों पे सफाई का कार्य जो है करवाया है। 5 नाले जो है कंप्लीट हो चुके हैं, 2 नाले अभी जो NHI वाले हैं ये अभी हो ही रहे हैं। NHI के एक तरफ के नाले हमने कंप्लीट करवा लिया है, जो आपका थाना के साथ के जो नाला लग रहा है इसे हमने कंप्लीट करवा लिया है। दूसरे साइड का नाला है उसे हम रात्रि में करवा रहे हैं, और कुछ जगह पे अतिक्रमण की भी समस्याएं हैं कि नाले जो है वो पुराने नाले हैं, तो जहाँ पे लोगों ने अपनी दुकानें रख ली हैं या फिर पौड़ियां बना ली हैं, तो उसका हम क्या है कि जो राजस्व अभिलेख है, राजस्व जो नक्शा है, उसकी पैमाइश के माध्यम से वहां पे हम उसकी सफाई करवाएंगे। सर, आपका जो अभियान चल रहा है नाला सफाई का लेकर के, उसको उस अभियान को लेकर के जनमानस से भी आपकी क्या अपील रहेगी? सही, जनमानस से मेरी यही अपील है कि जो भी नाला सफाई चल रहा है वो जनता के लिए ही है। केवल इतना ही अपील होगी हमारा कि जो आपके नाले हैं, नालों में बहुत कूड़ा ऐसा है जो वहां की स्थानीय पब्लिक ने डाले हैं, अगर हम इसको डाल ऐसे ही अगर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा कि ये नाला चौक होगा, फिर हमारे साथ वही प्रॉब्लम होगी। अगर नाला चौक होगा तो पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो जो भी जल जनित जो भी संक्रामित बीमारियां होती हैं उससे वहां के जो आम जनमानस होंगे उन्हीं को ही प्रॉब्लम होगी। तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी कूड़ा हो, किसी भी कूड़ा को नालों में ना डालें।